तो बीजीएमआई के अंदर जब किसी की 100 से ज़्यादा हाइपिंग होती है ना और लैग होता है तो कुछ उसके साथ ऐसा होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो गाइस अगर आपका भी बीजीएमआई बैन के बाद हाइपिंग और भाई लैग हो रहा है तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। इस वीडियो में ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि आपकी हाइपिंग और लैग कभी नहीं होगी। आइए देखते हैं बहन मजा आएगा। ये तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। सो जब से बीजीएमआई बैन हुआ है ना तब से भाई सभी प्लेयर के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है भाई। उनकी हाइपिंग इतनी हो जा रही है कि भाई बंदे के मारते कहीं और भाई लगते कहीं और, या फिर भाई बंदे के मारते मारते थक जाते हैं। क्या बोला तूने? बट बंदा नहीं मरता और बंदा हमको ही मार के चले जाता है, या फिर भाई इतना ज़्यादा लैग होता है कभी कभार। तो बीजीएमआई बैन होने के बाद लैग इतना ज़्यादा हो रहा है कि भाई क्या ही बता दो, भाई चिपक जाता है एकदम से मोबाइल। तो भाई अगर आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, लैग हो रहा है या फिर हाइपिंग हो रही है, अचानक से एकदम पिंग हाई हो जाती है फिर अचानक से एकदम लैग हो जाता है, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको भाई इतनी खतरनाक वाली सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद ना आपकी हाइपिंग और लैग कभी नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और भी आप भी बिना हाइपिंग के आपकी शॉपिंग ही आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, और लैग भी नहीं होगा। और भी ये जो सेटिंग बताऊँगा सबके मोबाइल में काम करेगी और भी सबके सिम में काम करेगी। आपके पास आइडिया, वोडाफोन, जियो, कोई सा भी सिम हो सबके में काम करेगी। तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। एंड भाई जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर कुछ तरीका है भीख मांगने का लेना। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पहली सेटिंग के बारे में। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको बीजीएमआई की आईडी में जाना है। एंड आपको सबसे पहले अपनी बीजीएमआई की आईडी लॉन्ग आउट कर देनी होगी, ठीक है। ये सभी को पहली सेटिंग करनी होगी, आपको ये कर देनी होगी लॉन्ग आउट, ठीक है। आपको लॉन्ग आउट कर देना है। एंड आपके राइट साइड में तीन ऑप्शन आएंगे, हेल्प, लैंग्वेज और यहाँ पे रिपेयर। आपको रिपेयर वाले ऑप्शन पे आना है। एंड रिपेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको आपको रिपेयर कर देना है, ठीक है। जिसमें बताऊँगा आपको रिपेयर करना, आपको रूटीन रिपेयर पे टिक मार देना है, ठीक है। इस पर मार देना, आपका पहले से होगा या फिर आपको भाई मार देना है। तो ये करने के बाद इसको ओके कर देना है, ठीक है। करने के बाद ना गाइस आपके जो भी बग्स वगैरह हो गए ना बीजीएमआई के अंदर सारे हट जाएंगे। एंड गाइस आपका बीजीएमआई दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो गाइस जब बात करते हैं अपनी दूसरी सेटिंग के बारे में, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। एंड गाइस आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा के ऑप्शन पर आ जाना है। जिस भी सिम में आपको वो पड़ा होगा सिम तो उस पर टैप करने से, मेरा सिम वन में है तो मैं इस पर टैप करता हूँ। एंड कहीं सेटिंग आएगा आपके पास एक्सेस पॉइंट नेम या फिर एपीएन, ठीक है। आपके में एक्सेस पॉइंट नेम भी आ सकता है, इस पर टैप कर देना है। एंड सबसे पहले आपको देखो जो भी यहाँ पे सेटिंग होगी इसको रेस्ट कर देना है, ठीक है। आपके सामने एक प्लस का आइकन आएगा, ऊपर आए या फिर नीचे आए, आपको प्लस के आइकन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा होम आ जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको पूरा नहीं करना, बस तीन चेंजेस करने हैं। सबसे पहले गाइस आपको नेम पे आना है और यहाँ पे आपको नेम पे लिखना है मैक्स स्पीड 5G, जैसे मैंने कैपिटल स्मॉल लेटर का जैसे ध्यान रखते हुए ये बनाया ना, आपको सेम ऐसे करना है और ओके कर देना। उसके बाद आपको एपीएन पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्मॉल लेटर में अल्ट्रा 5G स्पीड, ठीक है। आपको अल्ट्रा 5G स्पीड लिखना है। ये लिखने के बाद आपको सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है और ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपका प्रॉक्सी आएगा, उसको नहीं छेड़ना, पोर्ट भी आएगा इसको भी नहीं छेड़ना, आपको यूजर नेम पर छेड़ना है, आपको यूजर नेम पर टैप करना है और यहाँ पे आपको लिखना है जिस भी सिम में आपको आएगा, देखो जो भी सिम आपके पास उसका सबसे पहले नाम लिखना है और भाई स्पीड KM72, ठीक है। जैसे मेरा एयरटेल है, एयरटेल स्पीड KM72, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लेटर का पूरे ध्यान से रखना, जैसे मैंने लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आज आपको नीचे आना है सर्वर पे, ठीक है। आपको सर्वर पे आना है एंड कहीं यहाँ पे जिस भी सिम को आपको उसका ही सर्वर डालना है। जैसे मेरा एयरटेल का है तो भाई यहाँ पे airtel.in लिखा है, अगर आपका जियो है तो भाई jio.in लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको नीचे आना है, MMS प्रॉक्सी नोट सेट वगैरह कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद आएगा ऑथेंटिकेशन टाइप, आपको ऑथेंटिकेशन टाइप पे आना है और पैप और चैप वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। ऐप और चैप वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद APN प्रोटोकॉल आएगा, आपको प्रोटोकॉल पे टैप करना है और थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, थर्ड वाला सिलेक्ट कर लेना IPv6 वाला। उसके बाद आपका APN रोमिंग प्रोटोकॉल आएगा, इसको भी आपको थर्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, IPv4/IPv6 वाला। उसके बाद सबसे मेन सेटिंग रहती है इस बियरर की, वो होती है बियरर, ठीक है। आपको बियरर पे टैप कर देना है। एंड सबसे पहले आपको सबका अनस्पेसिफाइड रहता है, आपको अनस्पेसिफाइड से टिक हटा देना है। उसके बाद LTE
HSPAP और यहाँ पे जितने भी यहाँ पर बियर दिख रहे हैं ना आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है सिवाय GPRS के, ठीक है, ये सबको सिलेक्ट कर लेना। और भी जिनके में एक से ज़्यादा बियर ना हो, कभी कभार काफ़ी बंदों में ओनली LTE होता है तो भाई उनको ओनली LTE ही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 3 डॉट आएगा आपके सामने तो भाई आपको सेव कर देना है ये सेटिंग। आपके सामने यहाँ पर एक न्यू सेटिंग आ जाएगी जिसका नाम है डेक्स स्पीड 5G, आपको उस वाले पर टैप कर देना है, ठीक है, आपको टैप करना है। एंड जब बात करते हैं अपनी तीसरी सेटिंग के बारे में, जो ये तीसरी सेटिंग उन बंदों के लिए जिनका लैग और हाई पिंग दोनों होता है। तो गाइस सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है एंड अबाउट फोन पे आना है, ऑल स्पेस पे आ जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने MIUI वर्जन पे टैप करना है, अगर आपका रियलमी है या फिर भाई कोई और है तो उस पर वर्जन पे टैप करना है, 7 बार टैप कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सर्च मारना है एडिशनल सेटिंग है, ठीक है, आपको एडिशनल सेटिंग पे आना है। आपके यहाँ पे नीचे आते हैं डेवलपर ऑप्शन आपका दिखाई देगा, आपको उस पर टैप करना है। एंड अगर आपका ऑन ना हो तो भाई ऑन कर लेना। आपको यहाँ पे जो सेटिंग बताऊंगा आपको वो सेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, अगर आपका ऑन होगा तो भाई इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेट करना है ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंस, ठीक है, अगर आपके में गेमिंग ड्राइवर होता है तब भी टैप करना, और भाई ग्राफिक ड्राइवर भी हो सकता है तो भाई इसको टैप करना है। आपको अपना BGMI सर्च कर लेना है यहाँ पे, जिसके मेरा बैकग्राउंड इंडिया ये रहा, तो उस पर टैप करना है। आपका डिफॉल्ट होगा, आपको डिफॉल्ट से हटा करके सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर कर देना है, ठीक है, या फिर भाई गेमिंग ड्राइवर कर देना है, आपको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइव कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है और नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाने के बाद आपको जो सेटिंग बताऊँगा वो होती है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपको उसके ऊपर टैप कर देना है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को आपका एक्सटर्नल लिमिट होगा, आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है, ठीक है। तो जो जो सेटिंग मैंने आपको सबको बताई है ना, वो सेटिंग आप लोग सभी यूज करना, आपका हाई पिंग और भाई लैग कभी नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। एंड भाई वीडियो किसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, अपने भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सब लोग, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, और ज़्यादा जो सेटिंग है वो भी यूज करना।